हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास टेंथ की साइंस का चैप्टर नंबर है 4, जिसका नेम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म मींस केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इन कार्बन यौगिकों के कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म होते हैं। जो भी सिलेबस में है हम उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मींस रासायनिक गुणधर्म है वो है कंबसन। जिसे कहते हैं दहन। मींस कार्बन यौगिकों को जलाना। तो क्या होता है, जब भी किसी भी कार्बन यौगिक, जो कार्बनिक यौगिक हैं, उनका हम दहन करें तो उनके दहन से ये जो भी दहन होता है हमेशा किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मींस ऑक्सीजन से रिएक्शन होनी है तब क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। ऊर्जा तो प्राप्त होगी ही होगी। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ अगर उसमें हाइड्रोजन है तो जल भी प्राप्त होगा और उसके दहन से प्रकाश लाइट भी प्राप्त होती है और ऊर्जा मतलब ताप जो ऊष्मा है वो भी प्राप्त होती है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला कोल मींस कोयला, जिसका रासायनिक जो फॉर्मूला है वो सी ही होता है। तो कार्बन का जब हम दहन करते हैं मींस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाई ऑक्साइड बनती है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं होता इसलिए जल का अणु प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ हमें क्या प्राप्त होता है, प्रकाश और ऊष्मा, इसमें हमें तीन चीजें ही प्राप्त हुई। इसी तरह से मेथेन CH4, मेथेन गैस है ये। जब मेथेन का दहन किया जाता है जो कि हमारे गैस सिलेंडरों में भरी हुई होती है, रसोई घर वाले गैस सिलेंडर, तो उनका हम जब दहन करते हैं तो क्या मिलेगा, कार्बन इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी, कार्बन डाई ऑक्साइड। साथ ही साथ हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल मींस जल, और उससे प्रकाश भी उत्पन्न होता है और साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अब इसमें इसको इस अभिक्रिया को संतुलित भी कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहां पर परमाणु है 4, इधर परमाणु है कितने, 2, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया तो ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, इधर 2 ये और 2 ये, टोटल हो गए 4। तो इसको 4 बना लेते हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई करा दी, ऑक्सीजन एटम भी कंप्लीट हो गए। इस तरह से ये अभिक्रिया भी संतुलित हो गई। नेक्स्ट, अगर इसके स्थान पर एथेन ले लिया जाए, C2H6, ये एथेन गैस है, अगर इसका दहन करें मींस ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो क्या क्या प्राप्त होगा, कार्बन कितने हैं यहां पर, 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही बनेगी और 2 कार्बन परमाणुओं को पूरा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा दी, और चूंकि इसमें हाइड्रोजन भी है तो जल भी बनेगा, प्रकाश भी उत्पन्न होगा और साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगी।
इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु यहां पर कितने हैं, 6। तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 6 बनाना पड़ेगा, 2 हैं 3 से कर दिए गुणा, तो इधर हो गए 6। अब ऑक्सीजन परमाणु टोटल कितने हो गए, 2 × 4 और 3 हो गए 7। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, 7 परमाणु बनाने हैं, तो उसके लिए क्या करें, 7y2 मींस 3.5 अणु ले लिए, तो 7y2 और ऑक्सीजन। इसी तरह से नेक्स्ट, या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, पूरी रिएक्शन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा लें तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और 2C2H6+7O2 दहन, और क्या बनेगा यहां पर, 4CO2+6H2O प्रकाश और ऊष्मा, इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, तब इसमें ये जो अपॉन में 2 है ये नहीं लिखना पड़ेगा। अब ये तो हो गई गैसें, अब अगर कोई अन्य पदार्थ है, मतलब कार्बन का ही यौगिक है, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये कौन सा है, एथिल अल्कोहल, जिसका यूज शराब बनाने में किया जाता है, इसका जो IUPAC नेम होता है वो है एथेनॉल। तो जब इसका दहन किया जाएगा, मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, दहन करने पर इसमें क्या क्या प्राप्त होगा ये भी देखते हैं। कार्बन यहां पर कितने हैं, 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ ही साथ जल का अणु भी बनेगा, प्रकाश भी बनता है, मतलब उत्पन्न होता है, और साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अब इसे कंप्लीट करते हैं, कार्बन परमाणु यहां पर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन परमाणु बना लिए। अब हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं यहां पर, टोटल 5 ये हैं और 1 ये, तो टोटल होगा 6, तो इधर भी हमें 6 बनाने पड़ेंगे, तो 3 से इधर गुणा करा दी। अब ऑक्सीजन परमाणु कर लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, 2 × 4 4 ऑक्सीजन ये हो गए और 3 ये 7 हो गए, इधर 1 ये है और हमें 7 हैं तो 6 और चाहिए, तो 3 से यहां पर मल्टीप्लाई करा दी, ये हो गए 6, तो 1 और 6 हो गए 7, इधर भी कितने हैं, 7 हैं, 2 × 4 और 3 7, ये अभिक्रिया भी कैसी हो गई, कंप्लीट हो गई। तो इन सभी एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि जो भी कार्बन यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, अगर उनका दहन किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और ऊष्मा, ये चारों चीजें हमें प्राप्त होती हैं। केवल कोयला में हाइड्रोजन नहीं होता, तो उसमें ये जल का अणु प्राप्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और ऊष्मा ही प्राप्त होते हैं। अब अगर ये केवल हाइड्रोकार्बन है, यहां पर ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, कार्बनिक यौगिक है, अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, कौन कौन से, पहला पढ़ा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हमें दहन करना है, और दूसरा था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इनमें से अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन किया जाए, मींस ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाए, तो हमें प्रकाश, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन होता है, तो जल भी मिलेगा, साथ ही साथ हमें जो प्रकाश मिलता है वो
कौन सी प्रकाश मिलता है? स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ मिलता है, स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ, और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे हम अपने रसोई घर में गैस सिलेंडर में भरी जाने वाली जो गैस होती है उसको जलाते हैं, तो अगर उसे आप ध्यान से देखें तो उससे बिल्कुल स्वच्छ नीली ज्वाला जलती है। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर इसका दहन किया जाए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्राप्त होती ही है। ये तीन चीजें तो सेम प्राप्त होती हैं, लेकिन जो प्रकाश उत्पन्न होता है इससे वो किस तरह का रहेगा? वो स्वच्छ नीली ज्वाला नहीं होकर के पीली धुएंदार ज्वाला होती है, पीली होती है और धुएंदार, पीली व धुएंदार ज्वाला के साथ। अगर रसोई घर में गैस जो हमारा बर्नर है, चूल्हा है, उसमें अगर ये पीली ज्वाला आ रही है और बर्तन पर कालिक लग रही है, तो इसका मीन है कि या तो उस पाइप में कुछ अवरोध आ गया है जिससे उसका पूर्ण दहन नहीं हो पा रहा है, या फिर उसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मात्रा ज्यादा है। नेक्स्ट है सेकंड, योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडिशनल रिएक्शन, अब ये क्या रिएक्शन है? ये केवल वही कार्बनिक पदार्थ अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जो कि असंतृप्त होते हैं, मतलब ये केवल असंतृप्त कार्बनिक यौगिक ही अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। इस तरह की जो भी अभिक्रियाएं होंगी वो केवल असंतृप्त कार्बन यौगिक ही प्रदर्शित करते हैं। तो अगर कोई असंतृप्त कार्बन यौगिक है, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम, इनमें से कोई सा भी हम उत्प्रेरक ले सकते हैं, टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है, मींस 573 केल्विन के आसपास। तो ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं? संतृप्त कार्बनिक यौगिक बन जाते हैं, संतृप्त कार्बन यौगिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस तरह से? तो यहां पर ये कोई एल्कीन है जो कि असंतृप्त है, एल्कीन कैसा है? ये अनसैचुरेटेड है, मींस असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब इसमें क्या करना है? हाइड्रोजन से हमें योग कराना है, मींस इसको जोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, निकिल की प्रेजेंस में कितने टेम्परेचर पर? 573 केल्विन पर। तब क्या होता है? कार्बन बॉन्ड कार्बन, यहां पर दो संयोजकताएं पहले से ही कंप्लीट हैं, दोनों कार्बन की दो संयोजकताएं कंप्लीट हैं और एक बॉन्ड कार्बन के बीच में अवश्य बनेगा ही बनेगा, तो दो संयोजकताएं भी बना लेते हैं। ये दो संयोजकताएं हो गई। अब
यहां कितनी संयोजकता हो गई टोटल, एक दो तीन, एक दो तीन। अब ये हाइड्रोजन जुड़ना है तो वो हाइड्रोजन एक एटम यहां और दूसरा एटम मतलब परमाणु वो यहां पर ऐड हो गया। तो इनके बीच का जो डबल बॉन्ड था वो टूट करके कैसा हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। और ये किस तरह का बन गया, एल्केन हो गया, एल्केन, जो कि कैसा होता है, सैचुरेटेड मींस संतृप्त कार्बन कंपाउंड। इसी तरह से अगर यहां पर एल्कीन के स्थान पर हम एल्काइन ले लें तो एल्काइन, ये एल्काइन हो गया जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं वही रहेगा निकल या प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। उत्प्रेरक की उपस्थिति में टेम्परेचर लगभग यही रहता है 573 केल्विन। तो क्या होगा, इनका एक जो तीन बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा और क्या रह जाएगा, अब डबल बॉन्ड। और दो संयोजकताएं अभी इनकम्प्लीट थी, उनमें से एक तो ये पहले से ही है, उनमें से एक किसके साथ पूरी हो जाएगी, हाइड्रोजन के साथ। तो एक तरफ क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। अब ये क्या बन गया, अभी भी ये एल्कीन इसकी तरह दिखाई दे रहा है, मींस पहले ये एल्कीन में कन्वर्ट होता है, अब ये पुनः दोबारा से हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में। टेम्परेचर वही रहेगा 573 केल्विन। और इस बार क्या होगा, कार्बन के बीच जो अभी डबल बॉन्ड रह गया था ये फिर से टूट करके कैसा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो एक तरफ हाइड्रोजन लग चुका है और एक ये वाली ऐसी की ऐसी, जब एक बॉन्ड टूटेगा तो उनके स्थान पर अब क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस तरह से अब कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा रह गया, केवल सिंगल बॉन्ड रह गया। तो कोई भी एल्काइन है वो पहले एल्कीन बनाती है और उसके बाद में क्या बनाती है, एल्केन बनाती है, मींस लास्ट में हमें सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मिल जाता है। इस अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, मींस हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजन का योग। ये जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये चार पॉइंट्स हैं, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जिनमें पहला वाला दहन, दूसरा ये योगात्मक अभिक्रिया और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, और चौथा वाला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये चारों अभिक्रियाएं किसी ना किसी सेट में अवश्य पूछी जाती हैं, तो इनको बड़े ध्यान से समझना है। तो योगात्मक अभिक्रिया में हमने ये देखा, जो भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोजन से जब योग करते हैं निकल या प्लैटिनम या फिर पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन पर, तब वो अंत में किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में मतलब एल्केन बना लेती हैं। इसी विधि का यूज करके जो वनस्पति तेल है इन पर जब हाइड्रोजन क्रिया मतलब हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है तब ये वनस्पति तेल वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाते हैं।
तो इसी अभिक्रिया को प्रयोग करके वनस्पति तेलों द्वारा वनस्पति घी बनाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, ऑक्सीडेशन। जिसे हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या है ये? जब एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल, इसका जो IUPAC नाम है ये होता है एथेनॉल। तो जब एथेनॉल की रिएक्शन कराई जाती है, मींस इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है, किसकी उपस्थिति में? क्षारीय मतलब बेसिक KMnO4, क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका रासायनिक फार्मूला होता है K2Cr2O7। तो चाहे तो हम क्षारीय KMnO4 ले लें या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें, ये दोनों ही कैसे होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराते हैं। तो जब इसकी क्रिया ऑक्सीजन से होगी तो एल्कोहल, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, वो पहले चेंज होते हैं एल्डिहाइड में, मींस क्या बनाएंगे? CH3। इसे अगर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, CH3, CH2 और OH, इस तरह से लिख सकते हैं। दो कार्बन है, दो कार्बन बना लिए, H है 5, तो 3 और 2 5, ये 5 हो गए, और OH ऐसा का ऐसा ही, तो इनमें से CH3, और क्या होता है, ये H2O ये बाहर निकल जाता है, और एक ऑक्सीजन एटम को कहां से मिलता है? ने क्षारीय KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो क्या बच जाएगा? ये H2O, अभी मान लीजिए ये इतना अलग हट गया, तो क्या बचेगा? CH और ऑक्सीडेशन, मतलब इससे ऑक्सीजन का योग होगा, तो योग हो गया, तो ये बन गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसका जो IUPAC नेम होता है वो है एथेनल, और सामान्य नाम होता है इसका एसीटल्डिहाइड। इसका फर्दर मतलब दोबारा से ऑक्सीकरण होता है यही कंडीशन में, तब ये अंत में CH3COOH, मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु इसे अभी और मिल गया, तो ये CH3 ऐसा कैसा ही रहा, C भी ऐसा कैसा ही रहा, क्या हुआ? जो O है ये एक और मिल गया इसे, तो ये बन गया CO और एक और मिला O और H, ये लास्ट में बन गया अम्ल, जिसका साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल, और इसका IUPAC नेम है एथेनोइक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, कई बार ये एग्जाम में बदल बदल के, मतलब इसे घुमा घुमा करके पूछा जाता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर, जब एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन कराया जाता है, मीन्स ऑक्सीकरण कराते हैं, तो पहले हमें एथेनॉल मतलब एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और अंत में एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई भी कार्बन
यौगिक है, मींस खास करके अल्कोहल, तो कार्बन यौगिक। जब इनका ऑक्सीकरण होगा, मींस ऑक्सीजन से योग होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तब ये पहले बनाते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और बाद में पुनः इनका ऑक्सीकरण होता है। ये क्या है? ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो लास्ट में हमें अंत में क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट इसका जो रासायनिक गुणधर्म है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या रिएक्शंस होती हैं ये, कैसी होती हैं? तो ये अभिक्रियाएं, मतलब इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वही मोस्टली प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम मेथेन, मेथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH4। ये मेथेन है जो कि कैसा है, संतृप्त, पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, संतृप्त कार्बन यौगिक, कार्बन यौगिक। इसकी क्रिया हम किसी हैलोजन से कराए, हैलोजन अणु से कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश। तब हमें जो भी पदार्थ प्राप्त होता है वो व्युत्पन्न पदार्थ कहलाता है, व्युत्पन्न पदार्थ। किस तरह के ये होंगे तो वो हम अभिक्रिया से समझते हैं। तो मेथेन है, मेथेन की रिएक्शन हमें करानी है किसी भी हैलोजन से। तो हैलोजन मान लीजिए वो क्लोरीन है, क्लोरीन, इसे मैं तोड़ करके लिख रहा हूं किस तरह से, Cl बॉन्ड Cl, ये द्विपरमाणविक तत्व तो होते हैं, तो मैंने इसे इस तरह से लिख लिया, ये हो गया क्लोरीन। अब किसकी उपस्थिति में होगी ये? सनलाइट, सनलाइट मींस सूर्य का प्रकाश। इसे हम एच न्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, सनलाइट को एच न्यू। तो क्या होगा, इसे भी हम मेथेन को तोड़ करके लिख रहे हैं किस तरह से, CH3 और H, ये CH4 था तो हमने इस तरह से लिख लिया। तो क्या होता है, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु और एक Cl परमाणु, इतना, ये आपस में रिएक्ट करके बाहर निकल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, CH3 और ये Cl, जो वाला बचा है वो इस हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा और ये HCl हो गया बाहर। इसका नेम क्या हो जाएगा, कल हमने इनके IUPAC नेम लिखना सीखे थे, तो जो भी हैलोजन परमाणु होता है इसको सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स के रूप में, तो इसका प्रीफिक्स होता है हेलो, तो क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए हम बोलते हैं क्लोरो, तो ये हो गया क्लोरो, और ये क्या था, मेथेन, तो क्लोरो मेथेन। तो जो भी हमें कंपाउंड ये प्राप्त हुआ इन्हीं को हम व्युत्पन्न पदार्थ कहते हैं। इसे हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, सी एच कितने हैं, 4, तो 4 बना लिए एच, क्रिया करानी है किससे, सीएल से, एच
न्यू, एच न्यू का मीन्स ये सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश। तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु और ये क्लोरीन परमाणु आपस में रिएक्ट करके बाहर निकल जाएंगे और क्या बनाएंगे, सी एच कितने 3 और इस हाइड्रोजन के स्थान पर आ गया क्लोरीन और एच सी एल वो बाहर, तो इसका नाम हो गया क्लोरो मेथेन। और ये क्या था, मेथेन किससे क्रिया कराई थी, क्लोरीन से। इसी तरह से अब जो हमें प्राप्त हुआ है क्लोरोमेथेन, तो इसी को लिख लेते हैं सी एच एच और एच और यहां पर सी एल। फिर से ये क्या करेगा, क्लोरीन अणु से दोबारा से क्रिया करेगा और ये क्रिया तब तक चलेगी जब तक कि एक एक करके सारे हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित ना हो जाए। तो अगले स्टेप में क्या होगा, एक और हाइड्रोजन एटम चाहे ये वाला चाहे ये वाला कोई सा भी एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से इस Cl के साथ रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा और क्या बनाएगा, ये H C इधर एच, यहां पर इसके स्थान पर क्या आ गया, ये क्लोरीन परमाणु और इधर तो पहले से ही क्लोरीन था और ये एच और सी एल क्रिया करके एच सी एल हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेते हैं। तो इसमें कितने परमाणु हो गए क्लोरीन के, एक और दो, तो दो के लिए हम बोलते हैं डाई और क्लोरीन है तो डाई क्लोरो मेथेन, तो इसका नेम हो गया डाइक्लोरोमेथेन। अब ये पुनः डाइक्लोरोमेथेन मींस फिर से क्लोरीन अणु के साथ क्रिया करेगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इस बार ये वाला हाइड्रोजन परमाणु इस क्लोरीन परमाणु के साथ क्रिया करके बाहर निकल जाएगा और क्या बनाएगा, एच सी इसके स्थान पर सी एल, इसके स्थान पर भी क्लोरीन परमाणु और ये सी एल और यहां पर एच सी एल हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोजन क्लोराइड अलग बना लिया। ये बन गया, तीन बार इसमें क्लोरीन परमाणु है तो तीन के लिए बोलते हैं ट्राई, क्लोरीन है तो क्लोरो ट्राई क्लोरो और ये किससे बना था, मेथेन से, तो इसका नेम हो गया ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका जो जनरल नेम होता है वो है क्लोरोफॉर्म, जिसका यूज निश्चेतना के रूप में किया जाता था मींस बेहोश करने के लिए। अब ये जो ट्राइक्लोरोमेथेन है सी, यहां पर हाइड्रोजन लिख लेते हैं, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन, तीन जगह क्लोरीन और एक तरफ हाइड्रोजन, ये फिर से क्लोरीन अणु के साथ क्रिया करेगी और क्या बनाएगी, सी यहां पर सी एल, यहां पर भी सी एल, यहां पर भी सी एल और यहां पर भी सी एल और ये HCl बाहर। जब ये वाला हाइड्रोजन भी इस क्लोरीन के साथ क्रिया करके बाहर निकल गया और इसके स्थान पर ये क्लोरीन परमाणु आकर के जुड़ गया, कितने क्लोरीन परमाणु हो गए, चार, चार के लिए बोलते हैं टेट्रा और क्लोरीन है तो क्लोरो टेट्रा क्लोरो और मेथेन, या इसका जो सिंपल नेम है वो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आई होप ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस तरह से होती हैं अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये चारों अभिक्रियाएं मीन्स जो कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म हैं
बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।